Look at this. इसका मुंह कड़वा होता है ना, उसका कड़वा ही आता है। कलर क्या है? ये क्या बना रही हो? खट्टी मीठी सब्जी। ये किस चीज की बनी होती है? उड़द की दाल की। उड़द की दाल को पहले क्या किया था? धुला था, फिर रात भर भिगाया, देन उसको पीस दिया एंड देन उसकी पकौड़ी बना के। डिश के बारे में बताओ फिर से कुछ, मतलब ये कहाँ से बनी, कहाँ से आई? ये गांव देहात में बनती थी शादी ब्याह में पहले ये। पर जब मैं इस डिश के बारे में दोस्तों को बताई थी तो उनको समझ ही नहीं आता इस डिश के बारे में। वो जो जैसे अंग्रेजी भाषा में करेल की सब्जी बनती है, वही करेल खट्टी मिट्टी है। करेल की सब्जी गाइस, अगर आप लोगों को पता हो इस सब्जी के बारे में तो प्लीज हमें बताएं। करेल की सब्जी, इसको लोकल भाषा में हमारे यहाँ खट्टी मिट्टी सब्जी बोला जाता है। खट्टी मिट्टी दाल की सब्जी। यस, और इसको अमिया के साथ अमिया डालते हैं इसमें, अमिया और गुड़। और पापा क्या बता रहे थे कि वो गाँव में क्या खाते थे, बारात रुकती थी तब? बढ़िया बात, बढ़िया भात भी कहते हैं इसको। भैया ऑल द वे ऑफिस से आया है सिर्फ खट्टो मिट्टो खाने। कैसा है? मजा आ गया। इफ यू गाइस आर वंडरिंग ये टेस्ट कैसा करता है, थोड़ा सा ना खट्टा मिट्टा टेस्ट करता है, मतलब मीठे की तरफ टेस्ट करता है ये। मीठा और कड़वा किसी से, तुमने कड़वा किसी से डाला है, मतलब कड़वा क्या आ रहा है? नहीं, तीखा का क्या मतलब? तीखा कहाँ से आ रहा है? मिर्चा मसाला सब डाले हैं। ओके, और मीठा कहाँ से आ रहा है? गुड़ से आ रहा है। Two hours later. Hi. So, अभी बज रहा है 4 और आई एम डिसाइडिंग टू गो आउट अगेन, क्योंकि आज धूप निकल गई है फाइनली बहुत मुद्दतों के बाद। सो गेट रेडी विथ मी। आई एम रेडी, बस सॉक्स पहनने बाकी हैं। और आज मैं जा रही हूँ एक जगह का नाम है बोबा बे। तो वहाँ पे बोबा टी मिलती है, मोस्टली बोबा शेक्स एंड stuff. So I thought, why not to explore? You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. Just stay a minute, another minute. On a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. So I went to this place called 2D Cafe. और ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट मच। वहाँ पे ना सब कुछ नॉनवेज था, सब कुछ चिकन पोर्क ये सब मिल रहा, वेज भी था, बट आई वाज क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट। सो आई जस्ट ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी फॉर माय सेल्फ एंड अभी मैं जा रही हूँ वापस। प्रीवियसली जो मैं पी रही थी दैट वाज अ बोबा टी एंड द फ्लेवर आई वाज ड्रिंकिंग वाज जापानीज तिरामिसु। जहाँ हम लोग रुके हैं वो है रेजा पॉइंट। रेजा पॉइंट से मैं अभी 700 मीटर दूर हूँ। यहाँ ना हर दूसरी दुकान नॉनवेज की मिलेगी, मोस्टली यहाँ पे लोग पोर्क और चिकन तो कम है, बट बकरा ज़्यादा है। तो आई एम प्योर वेजिटेरियन, आई डोंट इवन ईट एग्स। तो हाँ, बाकी जो मुझे पहले से जानते होंगे
यू विल बी लाइक भाई ये तो पहले खाती थी बट यस अब मैं नहीं खाती हूँ, एक साल होने जा रहा है मुझे तो थोड़ा सा अजीब है। बाय द वे आई एम होम ऑलमोस्ट होम अगेन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इंसान थका हारा आता है एकदम पसीने से लथपथ, बट आपके पास कोई चॉइस नहीं है ऐसे खिड़की के सामने खड़े होने के। भाई कहाँ इतनी गर्मी, गर्मी हो नहीं रही है, गर्मी यहाँ पे ठंडी हो रही है बट इतना चल के आओ तो गर्मी तो लगेगी ना, तो इसीलिए भाई आई वॉन्ट पंखा, आई मिस पंखा। से बाहर खड़े होकर के व्लॉग बनाती हूँ, जो आगे सामने जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे लोग मुझे से देखते हो जाते हैं, देखो और मुझे सब्सक्राइब करो तुम लोग। A few moments later. Even if I want to click a picture, I can't because of these sariya. I could watch this view for an hour. I wish मैं ये सीन को अपने घर ले जाती। भाई बोला था कि अरे एक वीक तक भी नहीं रुक पाओगे तुम लोग सब बोर हो जाओगे ये वो। Look at me. I am enjoying. ऊपर वाले जगह से चलते हैं जहाँ से और क्लियरली दिखेगा, टंकी वाली जगह से। Look at this. And ना चारों तरफ पहाड़ है। यहाँ के लोगों के लिए आम बात होगी बट मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना। Best part about living in Shillong is that there are no lizards. I mean, who wants to live with lizards? Not me. बोलो क्या पूछ रही हो इससे? खीरा कह रुपए किलो? कल कॉपी लेके जाएंगे उससे पूछेंगे भैया इसमें लग गया जितना तेरे पास सब्जी है। अभी कितना लाया हो खीरा? अभी हमको नहीं पता कितना है। चार खीरे कितने के लाया हो? 55 रुपए के। 55 रुपए के चार खीरे? और लखनऊ में कितने के मिलते हैं? 20 रुपए किलो मिल रहे वहाँ पर। Think that I am being too much. You got me feeling love. Even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute. This view. अरे यार एक तो ये सरिया। पेन पेंसिल लेके जाएंगे उसको लिख देंगे जितना तेरे ठेले पे सब्जी है बता दे। That I am being so. Just stay a minute. Another minute.